सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। कमिंग सून द ऑल न्यूज सेंट्रल इंडियाज फेवरेट फैमिली का। हाय, अंधे ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई सेंट्रो की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। इसकी बुकिंग 10 अक्टूबर से शुरू की गई है। बुकिंग के लिए इच्छुक ग्राहकों को 11,100 रुपए का भुगतान करना होगा। सारे वेरिएंट और उनकी कीमतें डिलाइट डैश 3,87,627 रुपए, यूरो डैश 4,12,156 रुपए, मैन डैश 4,40,457 रुपए, मैन एएमटी डैश 4,97,061 रुपए, स्पोर्ट्स डैश 4,78,193 रुपए, स्पोर्ट्स एमट 5,20,646 रुपए, स्टार 5,29,137 रुपए, मैन सीएनजी डैश 5,835 रुपए, स्पोर्ट्स सीएनजी डैश 5,38,571 रुपए। अंडे की नई सेंट्रो में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 68 BHP का पावर 99 Nm का पिक टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन को स्टैंडर्ड और पर्न स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से जोड़ा गया है और पहली बार सेंट्रो में AMT गियर बॉक्स भी आएगा। हालांकि सेंट्रो AMT केवल मैन और स्पोर्ट्स ट्रिम में उपलब्ध होगी। हायंडे नई सेंट्रो उसी 1.5 लीटर इंजन में CNG वर्जन में भी उपलब्ध होगी। हालांकि CNG मॉडल 58 BHP का पावर और 84 Nm का पिक टॉर्क जेनरेट करता है। सेंट्रो CNG न स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ऑफर होगी और मैन और स्पोर्ट्स ट्रिम में उपलब्ध रहेगी। हायंडे ने नई सेंट्रो कार को मॉडर्न स्टाइल वाला बनाया है। इसकी लंबाई 3,610 mm है और व्हील बेस को भी पहले से बेहतर बनाया गया है। पुरानी सेंट्रो की तुलना में नई कार की लंबाई 45 mm ज्यादा है। ग्राहकों को बुकिंग अकाउंट के तौर पर 11,100 रुपए का भुगतान करना होगा। पहले 50,000 ग्राहकों को इसका लाभ होगा। हायंडे इंडिया ने इस कार में नई टेक्नोलॉजी को दिया है। इसमें सेगमेंट फर्स्ट 6.5 इंच टच स्क्रीन ऑडियो वीडियो सिस्टम दिया है। इस मल्टीमीडिया सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और वॉयस रिकॉग्निशन और मिरर लिंक का सपोर्ट दिया गया है। इस कार के टॉप वेरिएंट में रिवर्स कैमरा भी दिया जाएगा। नई सेंट्रो में सेगमेंट फर्स्ट फीचर के तौर पर रियर में AC विंड्स भी दिए गए हैं। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इस कार में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर और सभी सीटों के लिए फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया गया है। दोस्तों, आपको यह कार कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। किसी के साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह की मजेदार खबरें पढ़ सकें।